किया है। सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। हर किसी की नजर इस बार फिर से यूपी पर टिक गई है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष गठबंधन पर जोर दे रहा है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है, लगातार जनता से संपर्क करने के लिए जनता के बीच जाना शुरू कर चुकी है। कल यानी 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक ओर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, तो वहीं टिकट के दावेदार ताकत दिखाने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का यह पहला रोड शो है। अभी कहा जा सकता है कि पिक्चर बाकी है। यहां पर उन्होंने MIM के साथ एक गठबंधन करके यहाँ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। गौरतलब है कि सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा इस समय उत्तर प्रदेश में जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। 25 दिसंबर को यात्रा मेरठ की सीमा से मोदी नगर होते हुए गाजियाबाद आएगी। यात्रा में कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा तमाम विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। मुरादनगर में गंग नहर के निकट श्री हंस इंटर कॉलेज में जनसभा आयोजित होगी। सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा इस समय उत्तर प्रदेश में जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। 25 दिसंबर को यात्रा मेरठ की सीमा से मोदी नगर होते हुए गाजियाबाद आएगी। यात्रा में कई केंद्रीय व राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा तमाम विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। मुरादनगर में गंग नहर के निकट श्री हंस इंटर कॉलेज में जनसभा आयोजित होगी। संजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का रोड शो कालका गढ़ी चौक से शुरू होगा। चौधरी मोड़ से घंटाघर होते हुए ठाकुर द्वार गुरुद्वारे के पास रोड शो समाप्त होगा। मुख्यमंत्री के साथ रोड शो के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रोड शो की मेजबानी करेंगे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री का करीब 100 जगह स्वागत किया जाएगा। महानगर भाजपा ने इसके लिए पार्टी के पार्षदों, मंडल अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी उन्होंने MIM के साथ एक गठबंधन करके यहाँ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप सोचिए, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जनादेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुआ। श्री नीतीश कुमार जी वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने। MIM का एक विधायक बना, लेकिन उन्होंने जब संविधान की शपथ लेने की बात आई तो उन्होंने हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और साथ ही अगर तमाम खबरों को आप यूट्यूब पर देख रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।